other ways of participating so in the previous section we saw the one way of participating in the process of government is through elections that people choose their representatives through elections and those representatives take decisions on the behalf of the people so is there only one way of participating in the process of government no there are other ways also through which people can participate in this process in government right सो पीपल पार्टिसिपेट बाई टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाई क्रिटिसाइजिंग इट ओवन रिक्वायर्ड सो लोग जो है एक तरीका पार्टिसिपेट करने का ये भी है कि लोग बड़े ध्यान से नोटिस करते हैं ध्यान से समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही होती है राइट कि उसके अच्छाइयाँ क्या है उसकी बुराइयाँ क्या है ठीक है तो गवर्नमेंट के हर स्टेप्स को अच्छे से एनालाइज करती है और जब भी उसे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो गलत डिसीजन ले रही है वो लोगों के भले के लिए नहीं है तो लोग जो है फिर उसे क्रिटिसाइज करते हैं उसकी निंदा करते हैं सो so इसका एक एग्जाम्पल क्या है कि अगस्त 2005 में क्या हुआ था उस टाइम के गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ा दिए थे इलेक्ट्रिसिटी के राइट right? कि बिजली को के लिए जो भी लोगों को पैसा देना पड़ेगा वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था अब लोग इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए तो वो अपनी नाराजगी इस डिसीजन के प्रति दिखाने लग गए उन्होंने रैलीज ऑर्गेनाइज की उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज किए ये शो करने के लिए कि जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो हमारे इच्छा के विरुद्ध है अब जब लोग इन सब चीज़ों की अपोज कर रहे थे उनके डिसीजन के अपोजिशन में खड़े थे तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया अपने इस डिसीजन को डिफेंड करने की कोशिश की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई हमने ये डिसीजन इसलिए लिया है ठीक है द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीज़न बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन ठीक है बट फाइनली क्या हुआ वैसे तो उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो लोगों को समझा सके कि वो डिसीज़न गवर्नमेंट ने किस ले लिया है बट क्या हुआ लोगों के सामने गवर्नमेंट की नहीं चली और फाइनली गवर्नमेंट को अपना वो डिसीजन वापस लेना पड़ा अब ये सब क्यों हो पाया क्यों गवर्नमेंट ने जो है अपना डिसीजन ले वापस ले लिया क्योंकि तो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल है वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अपने काम जो भी वो डिसीजन लेगी उसको लोगों को बताना होगा उसको एक्सप्लेन करना होगा कि भाई ये मैंने क्यों लिया है और अगर लोग उससे एग्री नहीं करते तो फिर उसे अपने कदम पीछे भी हटाने पड़ते हैं क्योंकि आखिरकार वो इन सभी लोगों को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है और जब इन ये लोगों के इंटरेस्ट में ही वो डिसीजन नहीं है उनकी अच्छाई के लिए डिसीजन नहीं है तो फिर वो आगे उस डिसीजन को कैसे बढ़ा सकती है राइट सो so आजकल जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी तीन लॉज आए हैं फार्म से रिलेटेड राइट फार्मिंग से रिलेटेड तो उसमें किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं उन लॉज का और गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कोशिश कर रही है उन किसानों को ये समझाने के लिए कि उन्होंने इन इन कारणों से ये डिसीजन लिया है उनकी अच्छाई के लिए बट किसान जो है वो अभी नहीं मान रहे हैं तो इसी तरह अपने जो भी करंट में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे रिलेट करने की कोशिश किया करो आप जो भी पढ़ रहे हो राइट सो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू ये जो लोग हैं आम आदमी जो हैं वो अपने विचारों को गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं राइट और उन तरीकों के माध्यम से वो गवर्नमेंट को ये बताना चाहते होते हैं कि भाई आगे तुम्हें इस चीज पर ये एक्शन लेना है राइट सो so अब किन किन तरीकों से आगे जो लोग हैं वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं गवर्नमेंट के आगे वो धरने धरनास के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं नहीं आप सुनते कि आप ये लोग धरने पे बैठ गए हैं आप न्यूज देखते रहा करो और इन चीजों को रिलेट किया करो राइट रैलीज़ के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ से रैलीज़ निकल रही हैं लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी रैलीज़ निकाल दी जैसे कि अभी ये किसानों की बात चल रही है तो उसमें कि जैसे ट्वेंटी सिक्स जनवरी को जैसे लोगों ने रैली निकाली थी राइट ट्रैक्टर रैली निकाली थी तो इसी तरीके से लोग रैलीज़ के थ्रू अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं स्ट्राइक्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं कि भाई जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ में कि भाई कहीं पर टीचर्स स्ट्राइक कर रहे हैं कहीं पे ड्राइवर्स स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये सब क्यों होता है कि उन लोगों की कोई पर्टिकुलर मांग है वो पूरी नहीं हो रही है या फिर जो काम है जो डिसीजन है गवर्नमेंट ने लिया है वो उनकी इच्छा के विरुद्ध है इसके अलावा सिग्नेचर कैंपेन्स लोग करते हैं सिग्नेचर कैंपेन में क्या होता है कि सभी लोग जो भी जिनको भी लगता है कि वो लोग एक मत रखते हैं या फिर गवर्नमेंट uh, के खिलाफ वो कोई चीज बताना चाह रहे हैं कि ये डिसीजन हमें पसंद नहीं आया तो उसमें सभी लोग जिन जिनको लगता है डिसीजन अच्छा नहीं है तो वो सभी लोग साइन कर देते हैं वहाँ पे तो उससे ये पता चलता है कि भाई इतने सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ डिसएग्री कर रहे हैं और इन सभी के थ्रू ये धरनाज हो गए रैलीज हो गई स्ट्राइक्स हो गई इन सभी के थ्रू क्या होता है कि लोग जो हैं जो भी काम अनफेयर हो रहा है जो भी अनजस्ट काम कोई हो रहा है तो उसको आगे लाया जाता है और गवर्नमेंट के नजरों के सामने लाया जाता है कि भाई देखो ऐसा भी कुछ इस सोसाइटी में हो रहा है और इसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे आपको एक्शन लेना पड़ेगा इन चीजों के खिलाफ अब लोग तो इस तरह पार्टिसिपेट करते ही करते हैं कि लोग तो अपने व्यूज़ या रैलीज धरना के थ्रू अपने व्यूज़ रखते ही हैं बट इसके अलावा जो मीडिया है चाहे वो न्यूज़पेपर वगैरह हो गए रिटेन मीडिया हो गई मैगजीन टीवी वगैरह भी हो गए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में अब कैसे करते हैं तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है तो वो उस पर एकदम पूरा एनालिसिस करते हैं अगर आ, कोई भी चीज़ उन्हें लगता है कि गलत है तो जैसे ना आप देखते न्यूज़ पे कि बहुत सारे स्पीकर्स जो हैं वो लड़ रहे होते हैं टी वी चैनल्स पर और आप पापा को कहते हो कि नहीं पापा हटा दो ये क्या लोग लड़ी तो रहे हैं इस तरह होता है ना तो वो क्यों लड़ रहे होते हैं वो एक इशू को डिस्कस कर रहे होते हैं राइट तो न्यूज़ चैनल्स भी हैं इस तरह जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाती है और एक पर्टिकुलर इशू पे डिस्कशन होती है जिससे ये देखा जाता है कि क्या गवर्नमेंट सही कदम उठा रही है क्या जो भी हो रहा है हमारे देश में क्या सही है क्या गलत है तो इन चीज़ों पर बात की जाती है और लोगों के सामने लाया जाता है सो so हमने ये देखा कि जो एक ट्रू डेमोक्रेसी होती है वो लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है राइट right? बट ऐसा हमेशा नहीं हो पाता क्यों क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते सही से जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हो गई हमारी जैसे दलित्स आदिवासी एंड कभी कभी वुमेन वगैरह भी तो ये लोग क्या करते हैं ये कभी कभी प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते डेमोक्रेसी में और पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आवाज़ को अपने प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं ये अपने आप को एक सोशल मूवमेंट में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग मिलके सोशल मूवमेंट चलाते हैं और उसके बाद वो गवर्नमेंट के प्रोसेस को गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को चैलेंज करते हैं कि भाई तुमने ये जो डिसीज़न लिया है दैट इज़ रॉन्ग वी डो नॉट एग्री विद दैट डिसीजन एंड द गवर्नमेंट शुड वर्क इन दिस मैनर सो वो एक सोशल मूवमेंट के थ्रू अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं और इस तरीके से इनको डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना थोड़ा आसान हो जाता है सो so, अगर एक कंट्री के लोग पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हैं कि कंट्री किस तरह चल रही है कंट्री में क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजंस ले रही है अगर सभी लोग कंट्री में रहने वाले सभी लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें तो ये जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ना गवर्नमेंट का वो और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा राइट right? सो so, इस डेमोक्रेसी की और अहमियत बढ़ जाएगी अगर सभी लोग अवेयर होंगे कि चल क्या रहा है देश में सो so, इसीलिए अगली बार से जब भी आप देखो कि कोई रैली आपके गली से गुजर रही है आपके टाउन में आपके विलेज में कुछ भी इस तरीके का हो रहा है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक बार रुकना है सोचना है देखना है कि भाई ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कौन कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं राइट right? कि किस तरह के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जैसा कि हमने देखा कि आजकल कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ठीक है क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जो गवर्नमेंट तीन फार्म बिल लाई है फार्म एक्ट लाई है तो उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं राइट तो इस तरह आपको पूरा देखना है कि भाई जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं किस तरह के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और, और आपको ये भी देखना है कि जिस चीज़ के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका सही मायनों में क्या अर्थ है जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वो सच में सही कारण से प्रोटेस्ट कर रहे हैं नहीं तो आप क्या सोचते हो कि मतलब जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है ठीक है अपने लेवल पे भी ये सोचना है अपने पेरेंट्स से पूछना है ठीक है बड़े लोगों से समझना है टीचर्स से समझना है कि क्या ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया एंड क्या ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ठीक है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सही डिसीजन लेती है बट लोग उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं लोग उसको समझ नहीं पाते और इसलिए वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं राइट right, तो इस तरह की चीजें भी देखने के लिए मिलती हैं तो आपको अपने लेवल पर पूरी जानकारी रखनी है कि कोई चीज क्यों हो रही है राइट right?